नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश मणि पीएम्स क्विजिन में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बनाएंगे ओट्स एंड जैगरी बार या गुड़ और ओट्स के बाद। इन्हें बनाना बहुत आसान है, ये बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को गर्म कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक बोल मूंगफली का दाना। इसको हम इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के दाने को हम मीडियम टू हाई हीट पर रोस्ट करेंगे। दानों को लगातार इस तरह से चलाते हुए हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा दाना रोस्ट हो चुका है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दानों को हम ठंडा होने देते हैं और इसी पैन में हम रोस्ट करेंगे अब एक बोल रोल्ड ओट्स। ओट्स को हम लो टू मीडियम हीट पर रोस्ट करेंगे। इन्हें हाई हीट पर बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज ये जल सकते हैं। ओट्स को लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। ओट्स को एकदम हल्का ही रोस्ट करना है कि ये थोड़ा क्रंची हो जाए। ये देखिए, हमारे ओट्स रेडी हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ओट्स को हम ठंडा होने देंगे और दूसरी साइड हम हमारे मूंगफली के दानों का छिलका निकाल लेंगे। हम दानों से छिलका इस तरह से निकाल रहे हैं। एक हमने टॉवल ले लिया है, किचन टॉवल। इसके ऊपर मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और किचन टॉवल को इस तरह से हाथों से हम मसल रहे हैं ताकि उसके सारे छिलके निकल जाएं। ये देखिए, हमारे मूंगफली के दानों से सारे छिलके निकल चुके हैं। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है मूंगफली के दानों से छिलके निकालने का। और बचे हुए जो कुछ दाने होते हैं जिनके छिलके नहीं निकल पाते, उनको हम हाथ से इस तरह से निकाल देंगे। अब हम एक छलनी ले लेंगे और नीचे एक प्लेट को रख लेंगे। इसके ऊपर हम सारा मूंगफली का दाना डाल देंगे और उसको इस तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए, मूंगफली के दाने से छिलका एकदम अलग हो चुका है और दाने एकदम अलग। ये देखिए, अब हमारे दाने एकदम रेडी हैं और ओट्स भी ठंडा हो चुका है। अब हम इनके बार बनाना शुरू करते हैं। एक पैन को गर्म कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ बोल गुड़ या जैगरी। इस वक्त हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, एकदम हाई पे नहीं रखेंगे। गुड़ को हम इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इस वक्त हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई पर बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए, अब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ मेल्ट ही करना है। अब हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा मूंगफली का दाना जो हमने पहले से तैयार करके रखा है। इसमें हम हमारा ओट्स भी डाल देंगे। अब मूंगफली के दाने और ओट्स को हम गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाने और ओट्स को गुड़ के साथ मिक्स होने तक हम गैस का फ्लेम ऑन रखेंगे। ये देखिए, अब हमने ओट्स और मूंगफली के दानों को गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमें इस सारे मिश्रण को एक प्लेट में जमाना है। इसके लिए अब हम एक प्लेट ले लेते हैं। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इस ग्रीस्ड प्लेट में हम हमारा ये मिश्रण डालेंगे। मैंने यहाँ पर प्लेट को घी से ग्रीस किया है। आप चाहे तो इसके ऊपर फॉइल भी बिछा सकते हैं और उसके ऊपर मिश्रण डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे मिश्रण को प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको हम इस तरह से दबाते हुए एक जैसा कर लेंगे। इसको हम एक समान स्प्रेड करने के लिए कटोरी के नीचे वाली साइड का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, अब हमने कटोरी के नीचे वाली साइड से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको प्लेट में एक समान फैला दिया है। इसको अब हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे या थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और एकदम सेट हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने थाली पर से निकाल लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं सीधा करने के बाद। इसको हम एक शार्प नाइफ की मदद से अपने मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इनको आयताकार शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने मनचाहे किसी भी आकार में इनको कट कर लीजिए। ये देखिए, हमने इनको पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, हमारे बार कैसे लग रहे हैं। हम इसका एक पीस उठाकर देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे ओट्स एंड जैगरी बार कैसे लग रहे हैं, एकदम यम्मी। अब हम हमारे ओट्स एंड जैगरी बार को एक बार तोड़कर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे ओट्स एंड, तो ट्राई कीजिए इन ओट्स एंड जैगरी बार को इस ठंड में। थैंक यू।